हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का मेरा इस ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बीएमसी वाले ने जूह चौपाटी में छठ पूजा करने से मना कर दिए थे, तो मेरा कुछ दोस्त लोग ने बताया फ़ोन करके कि जूह में छठ पूजा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर जब हो ही रहे छठ पूजा तो जाके देखें और आप लोग भी साथ में चलो और देखते हैं कि जूह चौपाटी में सच में छठ पूजा हो रही है। फ्रेंड ये है चार मंगला, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिलते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है जैसे कि आप लोग को पीछे दिखता होगा। अभी शाम हुआ है तो अभी पूरा प्रॉपर मार्केट नहीं खुल रहा है, 6 बजे के बाद अच्छे से खुल जाते हैं, ऐसे फिर भी खुल रहा है कुछ कुछ, जैसे कि भाजी वाले अभी बैठ रहे हैं अपना भाजी वाजी लगा रहे हैं। फूल वाले इधर भी है जैसे मैटर भी है। तो मार्केट है पूरा देख सकते हो। चार बंगले में भाजी वाले बहुत बैठते हैं। मुंबई में कुछ इस तरीके का मार्केट है देख रहे हो। मैं यहाँ पे पीकॉक करना जैसे कि आप लोगों के पीछे दिख रहा है, तो चार बंगला में किसी के साथ किसी को पंगा हो गया था अच्छे से, इधर एक झगड़ा हो गया था पता नहीं किस बात के लिए हुआ था। यहाँ पे मैं करना जूस पी रहा था तो यहाँ पे पता नहीं बहुत झगड़ा हो गया। यहाँ पे चार बंगला में मच्छी मार्केट है, देखो फ्रेंड ये सब ना सारे मच्छी मार्केट है, इधर से इधर पूरा वहाँ तक मच्छी मार्केट है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मच्छी मार्केट है। और फाइनली मैं आ गया हूँ जूह और यहाँ पे नाकाबंदी है, पुलिस वाले लोग अंदर नहीं जाने दे रहे जूह के अंदर। अभी देखता हूँ मेरा दोस्त लोग मिलता है कि नहीं इधर, ऐसे तो मिल जाना चाहिए बोला था नहीं तो जूह चालू है, तो देखते वो लोग किधर है और मिलते हैं उन लोग से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छठ पूजा को देखने के लिए काफ़ी लोग आए भारी मात्रा में, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे, देख रहे हो नाकाबंदी की। आप लोग देख सकते हो भारी मात्रा में लोग आए हैं यहाँ पे, जैसे हर साल आते हैं उसी तरह इस बार भी आए हैं लोग, सब छठ पूजा देखेंगे जूह चौपाटी में। लेकिन इन लोग को पता ही नहीं था कि 2-3 दिन पहले बीएमसी वाले ने पहले बोल दिया था कि जूह चौपाटी पे छठ पूजा का परमिशन नहीं दिया है, फिर भी जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मतलब कितने लोग आए हैं। और दिखाता हूँ आप लोग को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये तो देखो, कुछ लोग तो यहाँ पे पूरे जैसे छठ पूजा मनाते हुए सामान लेके भी आए हैं और यहाँ पे छठ पूजा नहीं हो रहे तो रिटर्न जा रहे हैं इधर से। और यहाँ पे छठ पूजा ना मनाने के कारण यहाँ पे आने के बाद इतना परेशान हो रहा हूँ, इधर बुला रहे कोई उधर बुला रहे, मतलब किधर भी गेट चालू ही नहीं है, फिर भी इधर आओ उधर आओ, दिमाग खराब कर रख दिए सब पता है आप लोगों को। यहाँ पे कोई गेट नहीं खुला है किधर भी, फिर भी हमारे दोस्तों का ना वो बोल रहे हैं इधर चालू है उधर चालू है, इधर आ जा भाई उधर आ जा, मतलब क्या मजाक समझ के रखा है इन लोग बीएमसी वाले को। मतलब बोल दिया है जूह बीच पे छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा तो मतलब नहीं मनाया जाएगा, लेकिन इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी मैं अमिताभ बच्चन जी का बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ और यहाँ का नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं। वो ये बिल्डिंग, वो जो बंगला दिख रहा है पीछे, वो ये हमको
बाकी दोस्त लोग मिल ही नहीं रहे, कितना ढूंढ रहा हूँ बट मिल ही नहीं। रात हो चुका है और हम लोग अभी हो चुका है रात और हम लोग डिनर कर रहे हैं। ये है मेरा दोस्त और ये किए हैं।